गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनंकार जी। प्यारी प्यारी सत्संग जी, आज का टॉपिक है स्ट्रांग माइंड। प्यारी सत्संग जी, ये हमारा माइंड स्ट्रांग कैसे होता है? तो स्ट्रांग कौन है? स्ट्रांग है निरंकार, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु। जब ये माइंड स्ट्रांग के साथ जुड़ता है ना, तो स्ट्रांग होता है। परमपिता परमात्मा के साथ जुड़कर ही माइंड स्ट्रांग होता है। जब इस माइंड में, हमारे ब्रेन में, जेहन में, दिल दिमाग में, रोम रोम में जब निरंकार समा जाता है ना, यानी बंदा निरंकार हो जाता है। जब ये ब्रेन, ये माइंड निरंकार में सेट होता है ना, जब इसका ध्यान करते हैं, निरंकार का चित्त में ध्यान करते हैं, निरंकार के एहसास में रहते हैं और हम परमात्मा में हो जाते हैं। जैसे बूंद सागर में जब मिलती है ना, तो वो सागर बन जाती है। तो समझना इस बात को। तो हमारा माइंड इस निरंकार में जाके खो जाए। सदगुरु जी समझाते हैं कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इस मन को समझाया जाता है और बार बार समझाया जाता है। सत्संग में यही काम होता है, मन को समझाने वाला काम। ब्रह्म ज्ञान देकर इस मन को समझाया जाता है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, तो निरंकार है। और संत यहां भी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। तो ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार हो जाता है। निरंकार करते करते तो ही निरंकार करते करते वो निरंकार ही हो जाता है। सवेरे से लेकर शाम तक निरंकार के एहसास में हर काम करना है। अब बात तो ये है कि हमने ज्ञान तो लिया है, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान सभी लेते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम निरंकार के साथ कितना रहते हैं। ज्ञान लेना और ज्ञान को जीना, ज्ञान को अपने कर्म में ढालना, एक प्रैक्टिकल लाइफ, कि प्रत्यक्ष जीवन इस निरंकार के साथ हम कितना जीते हैं, कितने पल रहते हैं। तो संत समझाते हैं कि हर काम करते हुए निरंकार के साथ कनेक्ट रहो। तो जिसका माइंड स्ट्रांग रहता है ना, वो कोई भी काम करेगा वो परमात्मा के साथ कनेक्ट रहेगा। जो निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है ना, कोई भी काम करेगा, सवेरे से लेकर शाम तक हर क्रिया में निरंकार शामिल होता है, हर कर्म में। और जब हमारे माइंड में निरंकार सेट होता है ना, माइंड सेट निरंकार, तो ये माइंड तो स्ट्रांग होता ही है। और फिर ये काम जो करता है ना, दिमाग सही काम करता है। लेट गॉड डेल इन द माइंड। इस गॉड को अपने माइंड में बैठा लो, बसा लो, दिल दिमाग जेहन में इस निराकार को बसा लो। यही बात हर संत समझाते हैं। जब भी संतों के पास जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि निरंकार के साथ जुड़ो, सिमरन करो, सेवा करो, सत्संग करो। ब्रह्म ज्ञान के बाद जब ब्रह्म ज्ञान हम लेते हैं ना, तो हमें ये बात बताई जाती है कि आप सत्संग, सेवा, सिमरन करते रहो, तभी यह माइंड स्ट्रांग होगा। क्योंकि सारी कहानी मन की होती है, मन जीते जग जीत। और मन को अगर जीत लिया है हमने, जीते जी, तो फिर जीत गए। मन के जीते जीते, मन के हारे हार। अब देखते हैं कि जिसके बाद ब्रह्म ज्ञान नहीं, उसका मन कमजोर होता है। वो लोग बहुत कमजोर होते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं। कोई कुछ भी बोलेगा ना, वो भ्रम में जाके फंस जाते हैं। कोई अंधेरे में बोल दिया, भाई यहाँ भूत रहता है, तो भूत मान लेगा वो। मानने की बात है, भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड। लेकिन सदगुरु क्या करते हैं कि लाइट को जला देते हैं। हमारे घर में अंधेरा है, हमने एक स्विच को ऑन कर दिया, लाइट जल गई। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इजी है। यहाँ कोई गुणा भाग गणित की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई उजाले का ना होना ही तो अंधेरा है। अब उजाला नहीं है घर में, लाइट चली गई है, तो अंधेरा हो जाएगा। मोमबत्ती जलाएंगे तो उजाला हो जाएगा। तो प्रकाश का ना होना ही अंधेरा है,
प्रकाश का ना होना ही भय है। अंधेरे में लोग को डर लगता है, अंधेरे में लोग को तो भूत आ गया है, प्रेत आ गया है, इस तरह की बातें होती हैं अंधविश्वास की। अब भाई इस घर में मत जाना, वहां तो भूत रहता है, वो आदमी मर गया है, उसकी आत्मा भटक रही है, इस तरह की बातें कमजोर लोग जो होते हैं ना, कमजोर माइंड, कमजोर मन वाले होते हैं, उन पर हावी हो जाती है। और फिर जैसा ये माइंड मान लेता वैसा होता है। गीता पढ़ना चाहिए, हर इंसान को गीता पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारे मिशन की दो पुस्तकें हैं, संपूर्ण अवतार वाणी शब्द, संपूर्ण हृदय वाणी शब्द, लेकिन हमें भगवद गीता ही पढ़ना चाहिए। भगवद गीता भी पूरी तरह से हमारे दिमाग के तार को खोलती है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद गीता समझ में आती है, ब्रह्म ज्ञान के पहले भगवद गीता समझ में आती नहीं है। तो दास ने, जब दास को ब्रह्म ज्ञान हुआ ना, तो दास ने स्टडी की, भगवद गीता की स्टडी की पूरी तरह से। तो भगवान कृष्ण ने पूरा चीज समझाया है भगवद गीता में। सातवां अध्याय पढ़ना चाहिए। भगवद गीता का एक श्लोक बहुत पावरफुल है, जिसने भगवद गीता को पढ़ लिया ना, उसका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। और दुनिया की धरती की सबसे पावरफुल जो बुक है वो भगवद गीता है, क्योंकि संदरंकारी मिशन में तो हम संपूर्ण अवतार वाणी हृदय वाणी को मानते हैं, लेकिन दुनिया निरंकारी मिशन में सब लोग नहीं है, सारी दुनिया निरंकारी नहीं है। तो सारी दुनिया जो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो भगवद गीता को मानते हैं, पढ़ते भी हैं। भगवद गीता में बहुत ही एक अच्छा स्ट्रांग मैसेज है, सातवां अध्याय पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान समझा रहे कि सब कुछ मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंच दश धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। ये सातवें अध्याय का श्लोक है। ये भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार एक धागे में मणि पुरोई होती है ना, जैसे माला होती है, उसी प्रकार मैं वासुदेव कृष्ण पूरे ब्रह्मांड में गुथा हुआ हूँ, और मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब कुछ मैं हूँ। जब भगवान ने कहे थे सब कुछ मैं ही हूँ, इस बात को समझना, और ब्रह्म ज्ञान ही समझेगा इस बात को। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है ना, गीता पढ़ेगा लेकिन बात समझेगा नहीं वो, लेकिन जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वो समझ में आएगा। भाई कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चंघोर निहारू तेरी सूरत मेरे नाम। अब ये जो श्लोक है भगवद गीता का, मत्तः परतरम नान्यत् किंचि दश धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु, ये जो श्लोक है इसी को संपूर्ण अवतारवाणी सब संख्या दो में उसको शंकराचार्य ने समझा दिया कि कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चंघोर निहारू तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता तुम ही, तेज हो सूरज अंदर चंदा में हो शीतलता, फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों में मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता, सतगुरु सच्चा बूटा तू ही, दशवा द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। गुरु अपनी बोली देते अपना वेश देते हैं, गुरु अपना ज्ञान देते हैं, खुद का ज्ञान। निरंकार जो है ना, सदगुरु का एक अविनाशी रूप ज्ञान होता है, सदगुरु साकार, और ये जो निरंकार है ये सदगुरु का अविनाशी रूप है। तो ये अविनाशी रूप देकर गुरु अपना रूप देते हैं, अपनी बोली अपना वेश, ये देखो ये निरंकार है, यही सब कुछ है। और चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण और एक बात कहते हैं, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। भगवान उसमें कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पात सर्वशः। कि अर्जुन, जो प्राणी जो आत्मा जो मन मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप संसार में भगवान को सब मानते हैं, बात को समझने की है। अब जिसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो किसी न किसी फॉर्म पे भगवान को मानता है, दुर्गा जी, काली माता, गणेश जी, शंकर भगवान, राम जी, कृष्ण जी, नानक जी, ईसा मसीह जी, या मोहम्मद साहब, अल्लाह ताला, है ना, या कोई
आउट ऑफ इंडिया में बोलते यहोवा, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप में लोग इसको मानते हैं, इस निरंकार को। है तो एक ही निरंकार, लेकिन जब ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तो लोग मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो जिस तरह भसता है मैं उसको उसी तरह भसता हूं। अगर कोई काली माता के रूप में मुझको मानता है ना, तो मैं काली माता बन जाता हूँ। कोई शंकर जी के मंदिर में पूजा करता है तो मैं शंकर जी बन जाता हूँ। कोई हनुमान जी चालीसा पढ़ता है, मैं हनुमान चालीसा बन जाता हूँ, हनुमान जी बन जाता हूँ। तो हर रूप में, अब अगर कोई कहता है कि किसी को भूत भ्रम, तो फिर वो भूत भी मैं ही बन जाता हूँ। सब कुछ निरंकार है, निरंकार के साथ कुछ भी नहीं, बहुरूपिया है, ये सारे रूप पकड़ लेता है। जैसे पानी, एक गिलास पानी ले, पानी में जो रंग डालेंगे ना, लाल नीला पीला गुलाबी, पानी वही रंग पकड़ लेगा। तो इन निरंकार एनर्जी है, शक्ति है, सुपर पावर है ये। अब दूसरा एग्जांपल, लाइट, करंट तो वही है ना। अब उस करंट से हम एयर कंडीशन एसी चला दें, या हीटर चला दें, पंखा चला दें, बल्ब जला दें, एनर्जी तो वही है ना। तो निरंकार यही है, जो अंग संग हमारी यही है। सदगुरु ने एक इशारे समझाया, ये देखो निरंकार है। तो ब्रह्म ज्ञानी इस बात को समझते हैं कि कण कण में निरंकार है, निरंकार के सब कुछ भी नहीं है। लेकिन संसार जिस तरह इस निरंकार को भसता है, निरंकार उस तरह उसको भसता है। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस प्रकार भसता है मैं उसको उस प्रकार भसता हूँ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी। तो यहाँ पर दास समझाने का प्रयास कर रहा है कि ये स्ट्रांग माइंड कैसे होता है, यानी सारे भ्रम से बाहर उठता है ये, कि इस दिमाग में सेट होता है माइंड सेट, ये सब कुछ निरंकार है। एवरीथिंग इज निरंकार, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने ये लाइन हमें बताई, बाबा जी के कोटेशन है ये, कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। ब्रह्म ज्ञान हो गया, सारे भ्रम मिट गए, लाइट जल गई, सब साफ दिख रहा है। निरंकार निरंकार तो ही निरंकार, हर जगह निरंकार, कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पानी में, जीव जंतु में, सियाराम में, सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान और समझा रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम समय पश्यति तस्याहम न पण सम सचमे न पश्यति विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिन शून्य चौषपा के चपंडता संदर्शिना। कि जो सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है, वही ज्ञानी है। कुत्ते में, बिल्ली में, चंडाल में, गाय में, सब में मैं ही हूं, सब में मैं समाया हूं, हर जगह मैं हूं, मेरे से कुछ भी नहीं है। पूरी भगवद गीता पढ़े तो वो संपूर्ण अवतारवाणी का इजी फॉर्म है वो पूरा। ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं उस बात को समझते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बाद भगवद गीता समझ में आती है। तो दास ने पढ़ा है भगवद गीता, भगवद गीता एक नहीं, दास ने 10 राइटर की पढ़ी है, वैदिक गीता, इस्कॉन की गीता, और अलग अलग बहुत सारी भगवद गीता स्टडी की है। और गीता के ऊपर दास एक प्रवचन भी करता था, मुंबई में लोकल एक चैनल था CPR और विजन। तो नवरात्रि के टाइम पे दास को वो मौका भी मिला। जो चैनल वाले थे उनके पंडित जी कहीं चले गए, तो उन्होंने दास को बोला कि भाई पंडित जी हमारे चले गए नहीं है, जरा आप गीता पढ़ दीजिए। दास ने कहा कोई बात नहीं, अब ब्रह्म ज्ञान के बाद गीता तो समझ में आ गई है, गीता तो ये ज्ञान निरंकार है। तो दास ने वो गीता को प्रवचन भी किया। तो दास गीता एक फेवरेट बुक है, लविंग बुक है दास की, भगवद गीता। भगवद गीता पढ़ने के बाद में सारे भ्रम मिट जाते हैं, अगर हमारे पास में ब्रह्म ज्ञान है तो पूरा हर चीज़ क्लियर होती है उसके अंदर, भगवद गीता में। चाहे हम संपूर्ण अवतार वाणी पढ़ लें, संपूर्ण हरदेव वाणी पढ़ लें, भगवद गीता पढ़ लें, तीनों का जो संदेश है एक ही है, क्लियर, निरंकार निरंकार निरंकार। तो जो हमारा माइंड है, दास बात कर रहे हैं स्ट्रांग माइंड की, तो स्ट्रांग माइंड जो होता है ये निरंकार को जानकर होता है। जब निरंकार मय हो जाएंगे, माइंड सेट निरंकार हो जाएगा, तो हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।